आज के इस वीडियो में हम करेंगे ट्रैवलिंग अलाउंस के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। 25 एमसीक्यू हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो चलिए करते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यू 26। टीएडीए एक्सेट्रा ऑन रिटायरमेंट कैन बी क्लेम्ड बाय द एम्प्लॉय। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी टीएडीए कब तक क्लेम कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं ड्यूरिंग लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, सेकंड विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट, सी आफ्टर 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, डी ऑल ऑफ द अबव। सारे आंसर सही हैं, ए बी सी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। द फैमिली ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉय मे क्लेम टीए फॉर ट्रैवल। मृत कर्मचारी का परिवार कहां जाने के लिए टीए क्लेम कर सकता है? ऑप्शंस हैं फ्रॉम द लास्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ द एम्प्लॉय टू द होम टाउन, जहां पर वो रह रहे थे जिस हेडक्वार्टर में, वहां से अपने घर तक जाने के लिए। बी है फ्रॉम द लास्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ द एम्प्लॉय टू एनी प्लेस विच द फैमिली हैज सेलेक्टेड टू सेटल डाउन। अपने हेडक्वार्टर्स से किसी भी ऐसी जगह जहां वो अब रहना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो। सी है फ्रॉम द होम टाउन टू एनी प्लेस विच द फैमिली हैज सेलेक्टेड टू सेटल डाउन, मतलब अपने घर से किसी भी ऐसी जगह जहां वो अब रहना चाहते हो। डी है इधर ए और बी अबव। राइट आंसर है डी, सी नहीं है, क्योंकि ए और बी सही है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। 28th, the family of deceased employee should complete the journey within। निधन हो चुकी कर्मचारी का परिवार किस अवधि तक यात्रा करने पर टीए क्लेम कर सकता है? ऑप्शंस है 1 month of the date of death, बी 3 months of the date of death, सी 6 months of the date of death, डी 1 year of the date of death। राइट आंसर है 1 year ऑफ द डेट ऑफ डेथ। 29, TADA फॉर फैमिली ऑफ अ डिसीज्ड एम्प्लॉय इज एडमिशिबल इन केस ऑफ, मतलब किन परिस्थितियों में मृत कर्मचारी का परिवार TADA क्लेम करने के योग्य है या ये कहो पात्र है। ए एम्प्लॉय हु डाइज इन सर्विस, बी एम्प्लॉय हु डाइज वाइल ऑन लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, सी री एम्प्लॉयड पेंशनर्स, डी टेम्परेरी एम्प्लॉय हैविंग लेस देन 3 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। राइट आंसर इज ए एम्प्लॉय हु डाइज इन सर्विस। 30, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस रूल द कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी एंड अबव इज, मतलब जो अंडर सेक्रेटरी और उससे ऊपर रैंक के कर्मचारी के लिए टीए रूल्स के लिए कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन होता है? ऑप्शंस है हमारे द सेक्रेटरी, द जॉइंट सेक्रेटरी, द ऑफिसर हिमसेल्फ, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज द ऑफिसर हिमसेल्फ, सी ऑप्शन सी इज करेक्ट। 31, द कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑफ द प्रिंसिपल अकाउंटेंट जर्नल ऑफ अ स्टेट इज ए, क्वेश्चन का मतलब है प्रिंसिपल अकाउंटेंट जर्नल ऑफ अ स्टेट का कंट्रोलिंग ऑफिसर नियंत्रक अधिकारी कौन होता है? ऑप्शंस हैं द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया, बी द डिप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सी द ऑफिसर हिमसेल्फ, डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज द ऑफिसर हिमसेल्फ अगेन, सी ऑप्शन सही है। 32, ए टीए बिल नीड नॉट बी काउंटरसाइन बाय द कंट्रोलिंग अथॉरिटी इफ रिलेट्स टू, मतलब नियंत्रक अधिकारी कंट्रोलिंग ऑफिसर के ट्रैवलिंग अलाउंस बिल पर प्रति हस्ताक्षर होने से इनमें से किस कंडीशन में जरूरी नहीं है होना, इनमें से किस जो दी गई कंडीशंस है उनमें जरूरी नहीं है
TA on transfer, B TA on training, C permanent traveling allowance, D TA to family of a deceased employee. Right answer is option C, permanent traveling allowance. Next question है, a controlling officer may delegate to a subordinate his duty to countersign a TA bill. मतलब एक नियंत्रक अधिकारी कंट्रोलिंग ऑफिसर अपने अधीनस्थ कर्मचारी को टीए बिल पर प्रतिहस्ताक्षर के लिए किस परिस्थिति पर नामित कर सकता है. एक कुछ कंडीशंस दी हुई है, इनमें से किस कंडीशन पर टीए बिल प्रतिहस्ताक्षर के लिए नामित कर सकता है. ऑप्शंस है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, बी विद एक्सप्रेस परमिशन बाय द कंपिटेंट ऑथोरिटी, सी अप टू अ लिमिट ऑफ रुपीज 5000, डी अप टू अ लिमिट ऑफ रुपीज 2000. राइट आंसर इज बी विद एक्सप्रेस परमिशन बाय द कंपिटेंट ऑथोरिटी. 35. फॉर क्लेमिंग TA's submission of boarding passes as proof of having undertaken the journey is mandatory. TA claim करने के लिए क्या boarding pass जमा करना जरूरी है? हमें true or false में answer देना. Right answer is A, true. Boarding pass TA claim करने के लिए जरूरी है as a proof. 36. The absence from headquarters will be reckoned with reference to headquarters से अनुपस्थिति कब से मानी जाएगी? A. Scheduled departure or arrival time of the train. B. Actual departure or arrival time of the train. C. Half an hour before scheduled departure time and half an hour after scheduled arrival time. D. Actual time of reaching at or making exit from the platform. Right answer is option A, scheduled departure or arrival time of the train. Next question, 37. In case the train is delayed, actual arrival time of the train is taken into account if the delay is. मतलब अगर गाड़ी लेट हो जाती है तो वास्तविक आने का समय क्या माना जाएगा? A. मोर देन 15 मिनट्स, B. मोर देन 30 मिनट्स, C. मोर देन 60 मिनट्स, D. नन ऑफ द अबव. मतलब इनमें से कौन सा टाइम है जिसमें जब ट्रेन अगर इतने टाइम से डिले हो गई तो भी जो वास्तविक आने का टाइम माना जाएगा ट्रेन का. अगर ट्रेन 15 मिनट्स लेट हुई है तब हम ट्रेन का वास्तविक टाइम मानेंगे जितने बजे उसे आना था. 38. An officer entitled to travel by AC second tier traveled by road in a public bus incurring rupees 800 on bus fare. The fare for AC second tier is rupees 1200. He is entitled to claim TA for. मतलब अगर एक अधिकारी एसी सेकंड से यात्रा करने पर या पब्लिक बस में यात्रा करने पर 800 रुपए का क्लेम करने का हकदार है बट वो 1200 रुपए के टिकट से यात्रा कर रहा है तो उसे कितने रुपए मिलेंगे? ऑप्शंस है हमारे 1200 मिलेंगे या 800 मिलेंगे या 400 मिलेंगे या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा. मतलब इनमें से कुछ भी नहीं है ऑप्शन एबीसी में से. तो राइट आंसर है 800. अगर वो 800 का लेने का हकदार है तो उसे 800 ही मिलेंगे, 1200 नहीं मिलेंगे ना ही 400 से मिलेंगे. तो मतलब 400 उसके वेस्ट गए. बी ऑप्शन इज करेक्ट. 39 का, इन केस ऑफ ट्रांसफर बिटवीन टू प्लेसेस विद इन द सेम स्टेशन इन्वॉल्विंग एक्चुअल चेंज ऑफ रेजिडेंस अ कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट सीटीजी इज अलाउड फॉर एन अमाउंट इक्वल टू. मतलब स्थानांतरण में जहां आवास परिवर्तन हुआ है विद इन सेम स्टेशन में तो सीटीजी कितना मिलेगा? ऑप्शन है 100% ऑफ बेसिक पे, बी 80% ऑफ बेसिक पे, सी 1/3 ऑफ द बेसिक पे सीटीजी.
डी 50% ऑफ द सिटी जी. राइट आंसर इज सी 1/3 ऑफ द सिटी जी. लास्ट क्वेश्चन. गवर्नमेंट सर्वेंट्स ड्रॉइंग पे इन पे लेवल 3rd आर एंटाइटल्ड टू अवेल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स बाय गुड्स ट्रेन अप टू, मतलब लेवल 3rd का सरकारी कर्मचारी स्थानांतरण पर कितना वजन का सामान ले जाने का हकदार है. ऑप्शंस हैं 1500 किलोग्राम, बी 3000 किलोग्राम, सी 4500 किलोग्राम, डी 6000 किलोग्राम. राइट आंसर इज ऑप्शन डी 6000 किलोग्राम. थैंक यू.